नमस्कार सभी को जॉब स्टडी गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो so फ्रेंड्स अभी की वीडियो में आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है आपकी हरियाणा की भर्ती को लेकर एच की भर्ती को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर एच के अध्यक्ष भोपाल सिंह खद्री जी ने क्या कुछ कहा है वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या कुछ कहा है संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहें वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट आप जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं अड़तालीस घंटे में जारी होगा भर्ती का विस्तृत परिणाम एच का फैसला चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को बताया जाएगा कारण तो यानी कि पहले क्या होता था जो आपका रिजल्ट आता था और डिटेल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता था लेकिन इसके अंदर जो सिलेक्ट नहीं होते थे तो उनका कारण नहीं बताया जाता था कि भाई इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इसमें केवल आपका इजिबल या नॉट इजिबल आपको शो किया जाता था तो अब क्या कुछ फैसला लिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के अड़तालीस घंटे के अंदर ही विस्तृत परिणाम डिटेल रिजल्ट भी जारी होगा चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों को सूची से बाहर होने का कारण बताया जाएगा अभ्यर्थियों की संतुष्टि अदालतों के बढ़ते केसों से बचने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एच ने यह फैसला लिया है अभी चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंक सामाजिक आर्थिक के आधार के अंक आदि की जानकारी दी जाती है लेकिन फैल अभ्यर्थियों को यह जानकारी नहीं दी जाती ऐसे अभ्यर्थियों को रोल नंबर के आगे नोट इजिबल या फैल लिखा जाता था अब अंतिम परिणाम जारी होने के अड़तालीस घंटे के अड़तालीस घंटे में उनके सूची से बाहर होने का कारण पता चल जाएगा अंकों समेत कट ऑफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इसकी पुष्टि की है यानी कि अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपकी कट ऑफ किस पा ए, किस प्रकार आपकी लगी है और क्यों आपका जो अभी सिलेक्शन नहीं हुआ ये प्रोसेस आपका रहेगा ताकि जो भी साथी यहाँ पर एग्ज़ाम देता है तैयारी करके तो उसको संतुष्ट तो संतुष्टि हो जाए कि भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है अब आप यहाँ पर देखिए जो वेटिंग वालों के लिए यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है वेटिंग वालों को भी फ़ायदा हर भर्ती में चयनित सूची के साथ साथ प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है परिणाम जारी होने के एक साल तक अगर चयनित सूची में से नियुक्ति नहीं लेता है कागज़ में कमी पाई जाती है या किसी भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वेटिंग वालों को नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है तो यानी कि भाई अगर पद खाली होते हैं और जो वेटिंग सूची में होते हैं तो उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा और इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए कई माह और कई साल तक करना पड़ता था इंतज़ार यानी कि पहले जो आपके रिजल्ट आते थे तो डिटेल रिजल्ट के लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था ठीक है तो फिलहाल हरियाणा में भर्तियों के विस्तृत परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है आर लगानी पड़ती है या फिर अदालत का दरवाजा खटखाना पड़ता है आयोग कई कई माह और साल तक भर्तियों के विस्तृत परिणाम जारी नहीं करता उदाहरण के तौर पर हैवी व्हीकल ड्राइवर की भर्ती का परिणाम मार्च दो में परिणाम जारी किया गया था जबकि इस भर्ती का विस्तृत परिणाम मई दो में जारी किया गया था कई भर्तियों के विस्तृत परिणाम संबंधित मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं तो इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए एच ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है और अब आपका जो अभी 48 घंटों के अंदर ही आपका डिटेल रिजल्ट है वो आ जाए करेगा और उसके अंदर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाए करेगी तो भाई ये एक बड़ी अपडेट थी आपकी एच एस सी को लेकर उम्मीद करता हूँ भाई आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें आज की इस वीडियो में इतना थैंक यू जय हिंद जय भारत